नगर निगम परिसर में स्थित अतिथि गृह में गुरुवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में रेंट और संपत्ति विभाग एवं विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर निगम की संपत्तियों पर कोर्ट में चल रही विवादों और समय से पैरवी नहीं करने के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर निगम अब अपने जितने भी विवादित जमीन हैं और जिन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, साथ ही जो जमीनें मुकदमे में फंसी हैं, उन सभी जमीनों का लिस्ट तैयार करवाया जा रहा है और न्यायालय में नगर निगम की ओर से जुडिशरी अधिकारियों को नियुक्त करने के साथ उन्हें खाली करवाने के लिए सेवानिवृत्त कानूनगो और लेखपाल नियुक्त कर कब्जे में लेकर पैमाइश करवाया जाएगा। सेवानिवृत्त कानूनगो और लेखपालों को नगर निगम की ओर से मानदेय दिया जाएगा। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, हमको वो भी करना, हम उसको प्लॉट भी करते हैं, हम भी करेंगे, पैसा नगर निगम में आएगा, हम अपने कर्मचारियों पे। अब इसके बाद हमको ये बताइए, तो सभी लोग और जितना भी बताए थे, आपने बताया अभी पीछे हमें कि इतनी जमीन हमारे पास हो गई, कितना पहले आज का जो ये बैठक है, मुख्य रूप से नगर निगम गोरखपुर के अंतर्गत जो भी लैंड रिलेटेड मामले हैं, जो रेंट से जुड़े हुए मामले हैं, और विभिन्न न्यायालयों में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे जो वाद चल रहे हैं, उन सबकी विस्तृत समीक्षा करने को उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ बुलाया था। बहुत से नगर निगम की ऐसी लैंड हैं जिस पे कि लोगों ने माननीय न्यायालय से स्टे ले लिया है और यहाँ पर जानकारी भी नहीं है, उसकी भी समीक्षा की गई और ये भी देखने में आया गया कि नगर निगम की बहुत सी ज़मीन जो पैमाइश है, जो उसका सर्वे है, वो भी नहीं ठीक से हो पा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि जो हमारे यहाँ एक नायब तहसीलदार साहब हैं, उनके में सहयोग प्रदान करने के लिए एक सेवानिवृत्त कानूनगो और दो सेवानिवृत्त लेखपालों, जो कि जिनके पास अच्छा अनुभव होगा, जो जिनकी इंटीग्रिटी साउंड होगी, उनको हम लोग अपने यहाँ पे जो है संविदा पर, मानदेय पर उनको अपने यहाँ काम पे रखेंगे, जिससे कि जो नगर निगम की जितनी भी ज़मीनें हैं नगर निगम सीमा के भीतर, हम एक एक इंच की ज़मीन के बारे में पूरा रिकॉर्ड तैयार करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे और हर जगह अपनी ज़मीन पर तारबंदी करेंगे और वहाँ बोर्ड लगाएंगे कि ये नगर निगम की संपत्ति है, अगर कोई भी इस पर वैधानिक तरीके से कब्जा करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही कुछ हमारे यहाँ ये भी देखने में आया कि जो विधिक सेक्शन हमारा बना हुआ लॉ सेक्शन है, वहाँ पर जो वहाँ उसके लॉ प्रभारी हैं जो वर्तमान में हैं, उन लोगों के काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कई से केसेस, जिस तरह से केसों की सघन पैरवी होनी चाहिए और उसको अपना केस समझ के लड़ना चाहिए, उसकी एक उनके अंदर कमी दिखाई दी है। इसलिए हम लोगों ने अभी बात किया है, कुछ वरिष्ठ जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात किया है कि कोई अगर हमको सेवानिवृत्त कोई वरिष्ठ अधिकारी भी हमको मिल जाते हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उनको अगर वो आने के इच्छुक होंगे, उनसे वार्ता करने के पश्चात न्याय विभाग जो हमारे यहाँ का लॉ सेक्शन है,
उसकी कमान हम उनके हाथों में सौंपना चाहेंगे। कुल मिलाकर ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि जो नगर निगम को पूरी तरह से एकदम हर फील्ड में अपडेट कर दिया जाए। अभी पिछले कुछ दिन पहले जो ACS सर की VC हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जोर लैंड मैनेजमेंट पर दिया गया। तो हम लोग अपनी लैंड को हम लोग देखेंगे, और बहुत आज ही जैसे अभी हमने वार्ड नंबर 18 में समीक्षा कर रहे थे, 3 जगह हमको अपनी ज़मीन वहाँ पर मिली जो वहाँ पर है। अच्छा, ज़मीन कई बार खाली पड़ी रहती है तो अगल बगल वाले लोग किसी न किसी प्रकार से उस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इन कब्जों को भी हमको रोकना पड़ेगा, और जो वैधानिक तरीके से कब्जे कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे। कहने का आशय है कि नगर निगम पूरी अपनी ज़मीनों की सुरक्षा के लिए, अपने ज़मीनों की जो उसकी देखभाल के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और उनको छुड़वाएंगे। नगर निगम का स्पष्ट उद्देश्य कि ना हम अपनी 1 इंच ज़मीन किसी को देंगे और ना किसी की 1 इंच ज़मीन हम लेंगे। सरकार की ज़मीन है और सरकार जिस प्रकार से उसका यूज करना चाहेगी, हम लोग उसी प्रकार से उसका इस्तेमाल करेंगे।